गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने कल कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ा था और उसके अंदर हमने वर्गीकरण पढ़ा था, और कल जो भी टॉपिक पढ़ाया उसमें कोई भी आपकी समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उनका मैं निस्तारण कर सकूँ। इसके लिए आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा, और समय समय पर इन चीज़ों को आप अपनी वर्कबुक में या नोट्स बुक में जरूर इनको मेंशन करें ताकि उसमें रहने वाली जो भी कमियां हैं वो हम आपकी दूर कर सकें। और किसी भी प्रकार की यदि आपकी कोई समस्या आती हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें, और उनका समय समय पर आपको हम उनका जवाब देंगे, चाहे व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे दिन जो लेसन स्टार्ट होगा चैप्टर, तो उस समय आपकी पूरी समस्याएँ निस्तारण कर दी जाएगी। तो अब हम चलते हैं वर्गीकरण हेलो एल्केन का। तो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है, तो इनको हम कितने हेलोजन परमाणु होते हैं किसी एल्किल हैलाइड में या हेलो एल्केन में, तो उसके आधार पर हम उनको निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। तो ये कोई एक क्रम है, ये निश्चित नहीं है कि हम इनको तीन भागों में चार भागों में बांटें, क्योंकि हेलोजन परमाणु की संख्या 1, 2, 3, 4 बहुत अधिक हो सकती है, इसलिए इनको निम्न वर्गों के आधार पर ही वर्गीकरण लिखा जाता है। मोनो हेलो एल्केन है, इसमें कल आपको बताया था कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, उनको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो, वो कहलाता है डाई हेलो एल्केन। इसी प्रकार से ट्राई हेलो एल्केन में जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 हो, उनको हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। इसी प्रकार से 3 से जब अधिक हो तो हम उन सभी एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्केन को हम पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 से अधिक हो। अब इनके लेते हैं हम एग्जांपल। तो अगर हमें मोनो हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 1 हो, तो एल्केन से ही जैसे ये मेथेन है, मेथेन का हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो CH3 बन गया, और यहां पर हमने Cl लिख दिया, तो इसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये उदाहरण हो गया मोनो हेलो एल्केन का। तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड। तो इसी प्रकार से हम डाई हेलो एल्केन के अंदर इसका उदाहरण लेते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, अगर जैसे ये एथेन है, एथेन का हमने 2 हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे तब 2 हेलोजन आएगा, तो यहाँ CH3 की जगह मिल गया CH2, और यहां पर जोड़ दिया 1 Cl, ये CH2 और ये HCl, इसमें 2 हेलोजन परमाणु हैं, तो ये उदाहरण बन गया डाई हेलो एल्केन का। तो इसी प्रकार से CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, इसमें जोड़ दिया हमने Br, इसमें जोड़ दिया हमने Br, इसमें जोड़ दिया हमने Br, तो इसके अंदर 3 हेलोजन परमाणु हैं, इसलिए ये ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी प्रकार से जब किसी एल्केन के अंदर हेलोजन परमाणु की संख्या 3 से ज्यादा हो तब हम उनको कहेंगे पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे CH2 C
और यहाँ पर जोड़ दिया हमने सी एल ए, यहाँ पर भी सी एल, यहाँ पर भी सी एल, सी एच टू, और यहाँ पर भी हमने जोड़ दिया सी एल। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये चार हेलोजन परमाणु है, तो ये हो गया पॉली हेलो एल्केन। तो आप इनको नोट कर लीजिए या इसका वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। इसी चैप्टर में हम वर्गीकरण के अंदर अब पढ़ेंगे कि मोनोहेलो एल्केन है उनको कितने भागों में और बांटा गया है। जैसे नाम से ही पता है मोनो यानी एक, जी वे एल्केन जिनमें एक हेलोजन परमाणु हो उनको कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। इन्हीं को ही हम कहते हैं एल्किल हैलाइड का। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एक हेलोजन परमाणु हो तो इनको तीन वर्गों में पुनः बांटा जा सकता है। और ये जो वर्गीकरण का आधार रहेगा ये रहेगा कि जो हेलोजन परमाणु है एल्केन के अंदर जुड़ा हुआ है, तो एल्केन के अंदर चार प्रकार के कार्बन होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। और जैसे अगर हम उसको एल्किल हैलाइड बना देते हैं तब उसके अंदर चतुर्थ कार्बन नहीं होता है, तो इस कारण से हम मोनोहेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड को तीन वर्गों में बांटते हैं। यदि हेलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा, यदि हेलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा, और यदि हेलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो वो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो इसमें पहला हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि हेलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। अब जैसे इसका उदाहरण रहता है कि यदि हमने कोई भी एल्किल लिख दिया ये एल्केन है, अब इस एल्केन के अंदर जो हम कार्बन देखते हैं ये कार्बन है 1 डिग्री, ये कार्बन है 2 डिग्री, ये कार्बन है 2 डिग्री और ये कार्बन है 1 डिग्री। अगर हमें प्राथमिक एल्किल हैलाइड बनाना है तो 1 डिग्री कार्बन से हमें हाइड्रोजन हटा करके एक हेलोजन परमाणु इसमें जोड़ना है, तो चाहे तो आप यहाँ पर इस कार्बन पर जोड़ लीजिए चाहे इस पर जोड़ लीजिए, तो यहाँ का हमने हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया Cl, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसी प्रकार से यदि हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड को परिभाषित करें तो उसमें यह रहेगा कि यदि हम हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जोड़ दें तो वो कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसमें रहेगा कि हेलोजन परमाणु है प्राथमिक कार्बन की जगह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहेगा।
इसका उदाहरण है, हम इसी के आधार पर बना सकते हैं, जैसे CH3 ये कार्बन है 1 डिग्री कार्बन है, ये CH2 और ये CH3, तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब हमें हेलोजन परमाणु है वो 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जोड़ दिया, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री से हाइड्रोजन हटा दिया हमने एक, और यहां पर हमने अगर ये लिख दिया भी हैलाइड है, तो 2 डिग्री कार्बन में हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाता है। इस आधार पर हम तीसरा वर्गीकरण ले लेते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसमें रहेगा हेलोजन परमाणु तृतीय कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक, और ये कार्बन है तीन अन्य कार्बन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है 3 डिग्री कार्बन। तो अगर हमें तृतीयक एल्किल हैलाइड बनाना है तो 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु है, इसको हटा देते हैं, ये हाइड्रोजन हटा दिया और यहां पर हमने लिख दिया Cl, तो ये हेलोजन परमाणु यहां पर 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कहलाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से मोनो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है उनको हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड, इनको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी जाना जाता है। अब इनको आप नोटेट कर लीजिए अपने बुक्स में। अब हम हेलोजन व्युत्पन्न के अंतर्गत हम ऐसे यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हेलोजन परमाणु है कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन परमाणु का संकरण क्या है, उसके आधार पर हम हेलोजन यौगिकों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। इसके लिए हम एक आधार लेते हैं कि CsP3X आबंध युक्त यौगिक। देखो नाम से एकदम स्पष्ट है कि हेलोजन परमाणु X है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इसका संकरण है sp3, और इस आधार पर हम इन यौगिकों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला रहेगा एल्किल हैलाइड। तो इसमें यह रहता है कि हेलोजन परमाणु है वो केवल एल्किल समूह से जुड़ा हुआ रहेगा, अर्थात एल्किल समूह वही होते हैं जिनके अंदर सभी कार्बन परमाणु हैं वो sp3 संकरित होते हैं। जैसे अगर हमने कोई उदाहरण ले लिया एथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन है, एथेन का यदि हम एक हाइड्रोजन हटा दें CH3 से, यहाँ पर लिख दिया हमने CH2 और ये समूह बन गया, और इस समूह को हम कहते हैं एल्किल समूह। तो एथेन से ये बन गया एथिल, और एथिल है, और यहाँ पर हमने अगर हेलोजन जोड़ दिया Cl तो ये हो गया एथिल क्लोराइड, और यहाँ पर हेलोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या रहेगा sp3 संकरित कार्बन रहेगा, और अगले कार्बन या ये कार्बन ये भी क्या रहेंगे sp3 संकरित कार्बन रहेंगे, और sp3 संकरण कार है कार्बन का वो ये होता है
कि जब कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल समूह से पूर्ण हो या चार संयोजकताएं एकल बंध से पूर्ण हो, तब हम उस कार्बन परमाणु को हम sp3 संकरित कार्बन परमाणु मानते हैं। तो इस तरह से हेलोजन परमाणु इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ, ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु अन्य sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो हम ऐसे यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा है एलिलिक हैलाइड, और एलिलिक हैलाइड के अंदर है ये परिभाषा होती है उसकी, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वो यौगिक कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे ये हेलोजन परमाणु, ये हमने लिख दिया Br, ठीक है। और परिभाषा के अनुसार कि हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, तो ये कार्बन लिखा इसको हमने sp3 कर दिया, अर्थात कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हमने सिंगल बॉन्ड से पूर्ण कर दी। तो ये जो कार्बन परमाणु है ये हो गया sp3 संकरित कार्बन परमाणु, और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो जुड़ा हुआ रहेगा एलिफेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से। जैसे अब ये है C, तो यहां पर हमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो इस कारण से ये कार्बन परमाणु है ये वाला, ये हो गया sp2 संकरित। तो वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित कार्बन परमाणु अर्थात जो डबल बॉन्ड से जुड़ा उससे जुड़ा हुआ हो उनको हम कहते हैं एलिलिक हैलाइड। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2Br। तो इसमें Br है sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह एलिलिक हैलाइड कहलाता है। और एलिलिक हैलाइड है जैसे एल्किल हैलाइड है, हमने इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में बांटा था, इसी प्रकार से हम एलिलिक हैलाइड है इनको भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एलिलिक हैलाइड में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि अगर हमें जैसे ये 1 डिग्री है तो इसको अपने को 2 डिग्री या द्वितीय बनाना है, तो यहाँ जो हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, और इसको यदि हम क्या करते हैं एक हाइड्रोजन हटा दिया और एक कार्बन समूह मेथिल समूह और जोड़ दिया तो ये हो गया ये कार्बन 2 डिग्री, और इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर हमने एक मेथिल समूह और जोड़ दिया तो ये हो गया 3 डिग्री। तो इस प्रकार से हम एलिलिक हैलाइड है उसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए CH2Br ये 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3Br ये हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे 2 डिग्री एलिलिक हैलाइड।
इसी प्रकार से यदि हम CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड दिया, तो ये जो हेलोजन परमाणु है ये जुड़ा हुआ है 3 डिग्री कार्बन परमाणु से, इस कारण से हम इसको कहेंगे हम 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम CH3X आबंध युक्त यौगिकों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया। अब तीसरा है वो रहेगा बेंजीलिक हैलाइड, और बेंजीलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड में एक महत्वपूर्ण अंतर ये रहेगा कि एलिलिक हैलाइड में हमने ये पढ़ा कि वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु एलिवेटिक sp2 से एलिवेटिक sp2 से जुड़ा हो, तो अगर हम इस एलिवेटिक की जगह एरोमेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु लिख दें तब उसकी जगह ये बन जाएगा बेंजीलिक हैलाइड बन जाएगा। तो इसमें ये रहेगी परिभाषा, वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा यह sp3 संकरित कार्बन परमाणु एरोमेटिक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं बेंजीलिक हैलाइड। अब इसका जो उदाहरण है वो हम देते हैं, जैसे ये Cl है हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहेगा sp3 संकरित कार्बन परमाणु से, और ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु है एरोमेटिक, तो इसका मतलब यहां पर होगा बेंजीन वाले, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, तो ये यौगिक हो गया बेंजीलिक हैलाइड। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, यहां पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, तो ये बेंजीलिक हैलाइड कहलाएंगे। वे हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु sp3 से जुड़ा हुआ है और sp3 संकरित कार्बन परमाणु, बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, इसलिए ये sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड। हाँ तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, और कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, इन टॉपिक्स के अंदर जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें, ये गलती ना करें, जिससे कि आपकी कोई भी समस्या हो हम समय पर उसका निस्तारण कर सकें। धन्यवाद।